नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये नेक का एक आसान सा डिज़ाइन। यहाँ पे दोस्तों ऊपर की साइड हमने ये राउंड शेप दी हुई है और नीचे हमने यहाँ पे पैनल पे काम किया हुआ है पिनटेक्स का और लेस का जो आप देख रहे हो, और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये काम है दोस्तों, और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इस डिज़ाइन की स्टिचिंग की जाएगी। दोस्तों जो आपने डिज़ाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने एक यहाँ पे बारीक सी ये लेस ली हुई है, एक हमने यहाँ पे ये ली हुई है पट्टी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे पट्टी की लंबाई चौड़ाई, जैसे ऐसे देखेंगे तो 13.5 होगा और इस तरीके से देखेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 इंच। और इसकी डबल हमें यहाँ पर लेस चाहिए होती है। तो ये है हमारे पास फ्रंट जिसमें हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी में पिनटेक्स का काम कर लेंगे। तो पिनटेक्स का काम करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ पे लगाएंगे किनारी की सिलाई, इस तरीके की किनारी की सिलाई लगाते हैं। देखिए अब हम हल्का सा गैप रखेंगे यहाँ पे, फिर से दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे पिनटेक्स डाल लिए हैं पट्टी में। और जो साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा निकल कर के आया है यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ाई वाली, और इस तरीके से देखेंगे तो 11.5 इंच लंबाई वाली पट्टी। तो जब हम इस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद हमें करना होता है यहाँ पर लेस का काम। तो ये है हमारे पास लेस, तो इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का सा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड की डिजाइनिंग हमने इस तरीके से यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे लेस लगाएंगे और साथ में लगा देंगे पट्टी, तो दोनों साइड हमारी ऐसी रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में लेस लगाते हुए डिजाइन तैयार कर लिया है, और कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे ये डिजाइन तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे लेना है ये फ्रंट, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसको हमें लगाना है डिजाइन को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नेक डिजाइन के हिसाब से, जो हमने नेक की डीप लेंथ रखनी है उसके हिसाब से निशान लगा लेंगे। हमने रखनी है यहाँ पे 7 इंच तक, तो हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हैं। और अब हम इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट बना लेंगे, बिल्कुल सीधा बिल्कुल बराबर। ये हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है, नीचे से भी हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इस पैनल को यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे रख के, और सेंटर पॉइंट पे ऐसे ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, अगर ये ज़्यादा होगा तो हम इसको कम कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से हमें स्टिच करना है इसको इस तरीके से रख के, यहाँ पर ऐसे रखेंगे सेंटर पॉइंट में, और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है,
सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे साइड वाली। तो यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे डिजाइन ये तैयार हो जाता है। इसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे एक बुकरम नेक लाइन के लिए। तो ब्रॉड लेंथ रखेंगे तकरीबन यहाँ पे 6.5 इंच, 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे हम 7 से 7.5, जितनी भी आप रखना चाहें उतनी यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले हम चौरस निशान लगाएंगे ऐसे और उसके बाद हम यहाँ पर ये राउंड शेप देंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। बाहर की साइड 1/2 से 1.25 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये राउंड नेक यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हम इस नेक को यहाँ पे सिंपल तरीके से तैयार कर देंगे। जैसे हमारी नॉर्मल सिंपल तरीके से हम कोई भी नेक तैयार करते हैं वैसे ही इस नेक को हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ऊपर की साइड राउंड नेक जो है वो पलट लिया है और पूरी डिजाइनिंग आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी तैयार होके देखने में लग रही है। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया है पिनटेक्स और लेस के साथ में। इस तरीके से आप भी प्लेन कुर्ती हो चाहे प्रिंटेड कुर्ती हो इस तरीके की डिजाइनिंग तैयार कर सकते हो जैसे कि हमने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।